नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक पेशेंट है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। इसकी फिंगर पूरी तरह से टूट गई थी, फिर प्लास्टर लगा था। फिर हम लोग 1 महीने के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम लोग फिंगर का पूरी तरह मूवमेंट कराएंगे, फिर उसके बाद सुपिनेशन प्रोनेशन, फिर उसके बाद रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराया जाएगा। रिस्ट का भी एक्सरसाइज कराया जाएगा, क्योंकि जब प्लास्टर हुआ तो पूरी तरह से रिस्ट भी जाम हो गया है, इसलिए उसका भी एक्सरसाइज कराया जाता है। उसमें हम लोग फ्लेक्सन एक्सटेंशन रिस्ट जॉइंट का, फिर अल्नार डेविएशन, रेडियल डेविएशन, ये सब एक्सरसाइज कराते हैं। यह सब एक्सरसाइज पहले पेशेंट को फिजियोथेरेपी से कराना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार जाम हो जाता है पूरी तरह से तो खुल नहीं पाता है। इसलिए पहले हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट से एक्सरसाइज कराते हैं, फिर उसके बाद घर पर कुछ एक्सरसाइज करते रहते हैं। हम लोग बताते हैं पेशेंट को कि वह घर पर गर्म पानी से धुलाई करने के बाद वह सब एक्सरसाइज करता रहेगा, क्योंकि एक बार करने से पूरी तरह नहीं खुलेगा, इसको कम से कम 3 टाइम करना पड़ेगा।